आजकल ये बातें खूब पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं कि मंदिर जरूरी है या अस्पताल और कॉलेज। सीधे सीधे इसे लिया जाए तो कैसा लग रहा है सुनने में कि सवाल तो सही है ना? जो सीधे साधे लोग रहेंगे उनको तो यही लगेगा कि मंदिर बनाने में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जगह बर्बाद किया। उस जगह अस्पताल या कॉलेज बना सकते थे। जिन्होंने ये सवाल उठाया उन्हें महान मानने लगेंगे। देखो भाई कितना ये समाज की सोचता है, आम लोगों की सोचता है, और मंदिर का समर्थन करने वाले कैसे छोटी सोच के हैं, अंधश्रद्धा है ना? यही सब चीजें दिमाग में आती हैं, है ना? आपके सभी प्रश्नों के तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई धार्मिक बात नहीं करूंगा, ना ही ये कहूंगा कि मंदिर में फूल प्रसाद की दुकान से रोजगार मिलता है। सिर्फ उतना जिनसे आपको मतलब है। पहले अपने बारे में बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और ना ही मैं बहुत कर्मकांड करता हूं। आस्तिक हूं, ईश्वर पर भरोसा करता हूं, बस साधारण सा एक पुरुष हूं। लेकिन झूठ मैं लिखता नहीं, सच के खिलाफ सुनता नहीं। चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर एक, इतना पैसा मंदिर बनाने में क्यों बर्बाद किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है, मंदिर सरकार नहीं बनाती, कोई भी मंदिर नहीं। मंदिर के लिए पैसा श्रद्धालुओं से चंदा के रूप में मांगा जाता है। अब जिन्हें श्रद्धा है वही दान देते हैं, जो चाहते हैं कि मंदिर बने वही दान देते हैं। अब ये तो पक्का है, जो प्रश्न उठा रहे हैं वो दान नहीं देते होंगे। अब चूंकि दान ही इसीलिए हमने दिया कि उससे मंदिर बने फलाना जगह पे, तो फिर ये प्रश्न आया ही क्यों कि अस्पताल या कॉलेज बने उस पैसे से? यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगा, पैसे मेरे, मैं कहाँ कैसे किस पर खर्च करूं ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। जो सवाल कर रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल, आप लोग चंदा करके क्यों नहीं अस्पताल बनवा लेते? जवाब आपका मुझे पता है, अस्पताल बनाना सरकार का काम है। तो भाई सरकार नहीं बना रही तो उन्हें बोलो ना। प्रश्न नंबर दूसरा है, मंदिर बनाने से क्या होगा? रोजगार मिलेगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बच्चे पढ़ लेंगे। ये रहा उत्तर। जानकारी आपको नहीं होगी तो मैं बता देता हूं, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, वृद्धाश्रम चलाते हैं। और तो और मंदिर द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में रोगी को जो सुविधा प्राप्त होती है वो किसी सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिलती। जो कॉलेज मंदिर के द्वारा बनाए गए हैं उनमें विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध है। अब साथ ही आप ये भी सोचिए, जो मंदिर के द्वारा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बने उनसे कितनों को रोजगार मिला? क्या बिना इंसान के ये सभी संस्थान चल सकते हैं? क्या इन सभी संस्थानों में कर्मचारी जाति और धर्म देख के रखे जाते हैं, या इन कॉलेजों में जाति धर्म देख के
प्रवेश दिया जाता है या इनके अस्पतालों में धर्म और जाति देख के इलाज होता है? नहीं ना, इलाज, शिक्षा और रोजगार सभी मंदिर से मिल गए, और क्या चाहिए? अब लोगों से मेरा सीधा सवाल है, जो मंदिर सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको इतना लाभ पहुंचा रहे हैं, इनका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ कहा, आपने मान लिया? आजकल तो हर एक के पास फोन है, तो अपने पास के अस्पताल और स्कूल के बारे में पता कीजिए, कौन खर्चे उठाता है, कौन चलाता है। ये जो सवाल कर रहे हैं या आपके मन में बिठा रहे हैं, वो आपके या देश के शुभचिंतक नहीं है। अगर होते तो ऐसा सवाल उठाते ही नहीं। वो अच्छी तरह जान रहे हैं किसी भी मंदिर का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और वहां से जन कल्याण वाले योजना में खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो उस योजना का भी कीजिए। आप सरकार को बोलिए मंदिर का पैसा सरकारी काम के खर्च के लिए ना लें। ये फिर भी लिखूंगा सबूत के साथ कि मंदिर में जो दान होता है वो पुजारी नहीं लेता। कुछ मंदिरों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप गूगल कर लो, अगर मेरी किसी बात पर यकीन ना हो तो। देश के सबसे बड़े और मंदिर का नाम दे रहा हूँ, तिरुपति बालाजी। सब जानते हैं बहुत पैसा आता है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे सब। लेकिन ये नहीं कि मंदिर, अस्पताल कितने बनाए हैं, स्कूल कितने बनाए हैं, ये बात नहीं करेगा कोई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, गूगल पर जाके जांच कर लीजिए और दूसरे भी सोर्स से पता कर लीजिए। कैंसर अस्पताल, आंखों का अस्पताल, विकलांग लोगों के लिए घर, वृद्धाश्रम, ये आपको किसी ने नहीं बताया? मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, पता कर लीजिए, अस्पताल चला रहा है। पटना का महावीर मंदिर, पता कीजिए, कैंसर संस्थान चला रहा है और दूसरे संस्थान भी। कोलकाता का रामकृष्ण मठ, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चला रहा है। चेन्नई में कितने ही मंदिर हैं जो विश्व स्तरीय कॉलेज चला रहे हैं। किसी भी राज्य के किसी भी मंदिर का आप पता कर लीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा पूरा विवरण, लिंक सभी कुछ दे दूंगा। आप बस मेरा नाम याद रखें, मनीष। थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन सच्ची जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। क्या ये मंदिर ये सभी काम करके देश और समाज की मदद नहीं कर रहा है? क्या ये संस्थान बंद होने चाहिए? आम लोगों के लिए मंदिर इतना कुछ कर रहा है, इसके बारे में कभी सोचा? आप मंदिर नहीं जाते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो फिर इन संस्थाओं में भी आप नहीं जाते होंगे। आगे से देखभाल करके जाइएगा। जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, कहीं उसी से लाभ तो नहीं ले रहे हैं? जो वहम फैला रहे हैं वो तो चाहते हैं कि सभी संस्थान बंद हो जाएं, जो मंदिर चला रहे हैं, ताकि देश को नई समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके लिए
दूसरे देश से वो पैसा खाते हैं भारत को नीचे करने के लिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंदिर नहीं तो वो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम कैसे चलेगा? इतनी बड़ी आबादी है देश की, देश में करदाता कितने हैं आपको पता है? सिर्फ 8 करोड़ लोग कर देते हैं। और देश की आबादी कितनी है? 141 करोड़। आप लोग ना सरकार कैसे सभी कुछ कर पाएगी? मंदिर योगदान दे रहा है तो आप उल्टा विरोध कर रहे हैं, अजीब नहीं है? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए, जांच कर लीजिए। आपके विरोध से कहीं आपका ही नुकसान तो नहीं हो रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।